दोस्तों, पूरी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। वहाँ की सरकार और शोधकर्ता इन रहस्यों को सबके सामने आने से रोकती है। भारत में भी ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही कई रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे ताजमहल से जुड़े रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ था और सन 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। इस पर सरकार का अधिकार है और ASI इसकी देखभाल कर रहा है। ये संगमरमर से बना है और 390 साल पुराना है। ताजमहल अपने आप में अनोखा और रहस्यों से भरा पड़ा है। इस पर कई शोध हुई और शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जितना ऊंचा है, धरती के नीचे इतनी गहराई तक बना हुआ है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे। ऐसा ताजमहल में भी है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखाने के साथ उसे भी बंद करवा दिया गया। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने का आदेश दिया ताकि वह कोई और इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया था जिससे शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। दरअसल शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनसे ये वादा लिया था कि इसके बाद वह जीवन भर काम नहीं करेंगे और उन्हें शाहजहां द्वारा खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे। हिंदू मंदिर होने का दावा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार के एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के कमरे में झांक कर देखा। उस आदमी ने देखा ये कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदायिना बनी हुई थी। उस रोशनदायिना को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है वहाँ किसी ने हिंदू मुल्क को छुपाने की कोशिश की है। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल से पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्ले के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद करवा दिया ताकि इन कमरों में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में दंगे ना हो। काला ताजमहल। अजीब बात तो यह है कि कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए हर दिन पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग आगरा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहते थे। मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वह अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। तब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, तब यह सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ताजमहल के रहस्यों और इतिहासों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।